मैं क्या करूँगा, मैं ये नहीं बता सकता अपनी मॉम को कि मुझे टेस्ट में जीरो मिले हैं। जियान, अगर ऐसी बात है तो बेस्ट आइडिया ये है कि तुम टेस्ट पेपर्स को रूम में कहीं छुपा दो। देखो, मुझे लगता है कि हमें अपनी मॉम्स को कभी नहीं बताना चाहिए कि हमें हर टेस्ट में जीरो ही मिलते हैं। जब तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम गुस्से में होती है तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। हाय नोबिता। हाय जियान, क्या तुम इस वक्त स्कूल से आ रही हो? तुम अभी कहाँ जा रही हो शिजुका? मैं अपनी मॉम के साथ सुपर मार्केट जा रही हूँ। क्यों है ना मॉम? मैंने इससे कहा था कि अगर ये घर रुकना चाहे तो रुक सकती है, पर इसने आने की जिद की थी। बाय नोबिता। बाय बेटा। मॉम, मार्केट में जाकर वैसे हम क्या क्या खरीदने वाले हैं? क्या बात है, देखो शिजुका की मॉम कितनी प्यारी है। हाँ, तुम बिल्कुल सच सच कह रही हो जियान। अपना ख्याल रखना। थैंक्स, तुम भी। वही रुक जाओ नोबिता। तुम घर आ गए हो, मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा? सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई नोबिता? अब ये मत कहना कि तुम अपना होमवर्क करना भूल गए थे और इसीलिए स्कूल वालों ने तुम्हें स्कूल के बाद भी रुकने के लिए कहा। बोलो। नहीं, मुझे रोका गया क्योंकि मुझे जीरो मिला। क्या कहा तुमने? तुम्हें जीरो मिला नोबिता? वो असल में मॉम, जीरो मिलना तो होमवर्क भूलने से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तुम्हें आज नाश्ता नहीं मिलेगा। जल्दी से अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो नोबिता। मुझे मॉम हमेशा डांटती है और कभी प्यार नहीं करती है। जब तुम्हें हर टेस्ट में जीरो ही मिलता है तो बताओ मॉम इसमें क्या कर सकती है? पर इससे होता क्या है, अगर वो ऐसे समय पर मुझे प्यार से समझाती तो मुझे भी एहसास होता। अगर मेरी मॉम मुझे अच्छा बर्ताव करती तो अगली बार मैं खूब जमकर मेहनत करता और अच्छे मार्क्स लाता। अरे नोबिता, ये क्या कह रहे हो? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो मेरी मॉम को प्यारी और अच्छी बना दे? बस ऐसी तो कोई चीज नहीं है, पर एक चीज है जिससे तुम जो कहोगे मॉम वही करेंगी। इसे उनके माथे पर चिपका दो और फिर उन्हें कुछ करने को कहो। जो इसे उनके माथे पर चिपकाएगा वो उसकी हर बात मानेंगी। सच में? सुनो मॉम, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें नाश्ता नहीं मिलने वाला है नोबिता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, समझे? क्या बात है मेरे प्यारे बेटे, ये तो काम कर गया। मॉम, मैं नाश्ता करना चाहूँगा। ऐसी बात है तो मैं फौरन तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। चेयर पर आराम से बैठ जाओ। जल्दी से अपना मुंह खोलो बेटा। हाँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ये लो। थोड़ा सा और खाओगे? मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। चलो मुंह खोलो। अरे नहीं, ये नोबिता तो कभी नहीं सुधरेगा। डोरेमोन, मैंने तुम्हारा नाश्ता फ्रिज में रखा है, तुम खुद निकाल लो, ठीक है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। डोरेमोन, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम नोबिता को अपने हाथों से खाना खिलाओ। तुम ये कर दोगे ना डोरेमोन? हाँ। थैंक यू सो मच बेटा। नोबिता, अब तो तुम खुश हो ना? डोरेमोन, ठीक है। मेरे सर पर स्टिकर नहीं लगा है, इसलिए मुझे बुद्धू मत बनाओ। वैसे तुम्हें मजा आ रहा है, बताओ नोबिता? सच में डोरेमोन, बहुत मजा आया। कैसा लगा मेरा स्पॉइल मी स्टिकर? बहुत मजेदार। क्या ये उनके सर पर ही लगे रहना चाहिए? नहीं, इसका असर अपने आप खत्म हो जाएगा और ये गिर जाएगा। हाँ राइट डोरेमोन, क्या तुम मुझे एक और स्पॉइल मी स्टिकर दे सकते हो? नोबिता, अब तुम इसे किस पर यूज करना चाहते हो? मैं इसे जियान को देना चाहता हूँ। अपनी मम्मी की डांस सुनकर शायद इस वक्त उसकी हालत ही बहुत खराब होगी। जियान, कैसा चल रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरी मॉम मुझ पर खूब चिल्लाई आज। मुझे लग रहा था, मुझे भी डांट पड़ी। लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। क्योंकि मैंने इसे यूज किया। अरे ये क्या है? ये है स्पॉइल मी स्टिकर, मैंने इसे डोरेमोन से लिया है। क्या, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? ऐसे करना जियान, इसे अपने मॉम के माथे पर चिपका देना और फिर उन्हें कुछ... कितने अच्छे दोस्त हो तुम। मुझे छोड़ो जियान, मुझे छोड़ो, छोड़ो जियान। मॉम मेरी बात सुनिए प्लीज। दिखता नहीं मैं अभी काफी बिजी हूँ। मॉम प्लीज, क्या मैं इसे आप... मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूँ जियान, समझे? मॉम लेकिन सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है जियान? मैं कह रही हूँ ना, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तुम चुपचाप शॉप पर बैठो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ।
देखा ना तुमने मेरी मॉम कैसे अपनी ही चलाती रहती है, मेरी कभी नहीं सुनती। जियान ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे छोड़ो इसकी परवाह किसे है। तो देखा तुमने डोरेमोन, जियान की मम्मी उससे बात तक करने को तैयार नहीं है। अच्छा, और रही सही कसर स्कूल के बाद जो हमें रोका गया उसने पूरी कर दी शायद। तो तुमने स्पॉइल मी स्टिकर का क्या किया? वो मैंने उसके पास ही छोड़ दिया, उसकी मम्मी जब वापस घर आएगी तो फिर ट्राई करेगा। लेकिन कहीं वो कोई गड़बड़ ना कर दे। पता नहीं नोबिता ने जो ये चीज दी है ये काम करेगी भी या नहीं। अरे जियान तुम घर पर हो? हाँ? अरे सुनियो तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। हाँ? लेकिन क्यों? ताकेशी जरा बताओ क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? ताकेशी इसे क्या हुआ? मैं तुम्हें अपनी रिमोट कंट्रोल वाली कार और वीडियो गेम जो तुम चाहो उसे खेलने दूंगा। अरे ये स्टिकर तो काम करता है। अरे ये क्या किया तुमने ताकेशी? तुम भी ना, अब लाओ इसे मुझे दो। अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। समझ गए ना तुम? क्या कहा बड़ा भाई? हाँ, तुम मुझे कुछ भी करने के लिए कहो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। ठीक है तो अब मैं भी यही करूंगा। तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ रिमोट कंट्रोल वाली कार चलाने का सही तरीका। अरे बड़े भाई इसे छोड़िए, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे? जैसे कि क्या? समझ गया, तो तुम मेरे साथ सुमो रेसलिंग खेलना चाहते हो? क्यों, है ना? हाँ ठीक कहा, अब समझ गए ना, चलो शुरू करें। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। क्यों होता है? हे नोबिता, मैंने सुना है कि तुमने ही जियान को वो अजीब सा स्टिकर दिया है। आई एम सॉरी सुनियो, मैंने सोचा नहीं था कि वो स्टिकर को तुम पर इस्तेमाल करेगा। अब बहुत हो चुका, बस ध्यान रखना कि तुम वो उससे वापस ले लो। मुझे सुनियो से पता चला, अगर तुम्हें गड़बड़ी फैलानी है तो मेरा स्टिकर मुझे वापस कराओ। सॉरी, मैं दरअसल उसे ट्राई करना चाहता था, अभी तक मैंने उसे मॉम पर ट्राई नहीं किया था। तो ठीक है, तब तक मुझे वो वापस कर दो। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं कर सकते? नहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो ये लो। जियान किस तरह का खेल तुम खेलना चाहते हो अपने बड़े भाई के साथ? चलो फिर से मस्ती करने का मौका मिल गया। तुम क्या करना पसंद करोगे जियान? मुझे घोड़ा घोड़ा खेलना है। हाँ? ओके जियान, हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। ठीक है बड़े भाई, अब मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। चले घोड़े। मुझसे ये नहीं होगा जियान। चलो मेरे घोड़े। अरे ये क्या है, तुम तो अभी से थक गए मेरे घोड़े। सॉरी जियान, फिर से ट्राई करते हैं। नहीं अब छोड़ो, असल में अभी मुझे बहुत भूख लगी है बड़े भाई। हाँ! मुझे एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं। मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जियान, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। डोरेमोन! एक बात बताओ, तुमने इसे अपने सर पर क्यों लगा रखा है? उसे छोड़ो, मैं ये ले जा रहा हूँ। ओके? नहीं रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा प्यारा नन्हा जियान भूखा है, समझे? पर नोबिता तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? पर वो मेरा प्यारा नन्हा सा छोटा भाई है। मैं चलता हूँ। हे, तो तुम अपने पैसे खर्च क्यों नहीं करते? जियान! अरे तुम लेट हो, कहाँ रह गए थे? आई एम वेरी सॉरी जियान। मेरा बर्गर और फ्रेंच फ्राइज कहाँ है? चलो खरीदते हैं। नहीं नहीं रुक जाओ, कोई बर्गर और फ्राइज नहीं खाएगा, समझे तुम? क्या कहा तुमने? जियान मेरे स्टिकर मुझे अभी वापस करो। हाँ? अरे नहीं, इसे मैंने अभी अपनी मॉम पर यूज नहीं किया है डोरेमोन। जल्दी से इस स्टिकर को नोबिता के सर से उतारो। नहीं तुम खुद ही उतार लो, जो इसे लगाता है वही इसे उतार सकता है। बड़े भाई तुम चाहते हो मैं इसे उतार लूं? जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा ही करो। मैं क्या चाहता हूँ, कैसा हो अगर? जियान क्या आज तुमने शॉप ठीक से संभाली, बताओ मुझे। अरे अरे मॉम आप अरे मॉम आप तो जल्दी वापस आ गई। ये स्टिकर आज इन पे लगाना ही है। आज ये इतनी अच्छी तरह क्यों पेश आ रहा है? खैर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या